महाभारत युद्ध के कितने साल बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी? उस समय उनकी उम्र क्या थी और किस तारीख को वे इस धरती को त्याग कर वैकुंठ चले गए थे? कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस दौरान 100 कौरव भाइयों समेत कई महारथी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण को गांधारी से एक श्राप मिला था। कहते हैं इसी के कारण श्री कृष्ण को पृथ्वीलोक छोड़ना पड़ा। साथ ही इसके कुछ वर्षों के बाद द्वारका नगरी भी नष्ट हो गई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। इसी दौरान जरा नाम के एक शिकारी का तीर उनके पैर में आकर लगा और श्री कृष्ण ने वहीं प्राण त्याग दिए और वैकुंठ लौट गए। विष्णु पुराण और भागवत गीता के आधार पर बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध खत्म होने के करीब 36 साल बाद हुई थी। हिंदू धर्म से जुड़े शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं की कुछ तारीखों आदि को आधार बनाकर दावा किया जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र 125 साल 7 महीने और 6 दिन थी। यही नहीं, उनके मृत्यु का समय भी दिन में 1:27:30 बताया जाता है। गुजरात के सोमनाथ के करीब प्रभास पाटन में साल 2004 में एक सम्मेलन में जानकारों ने कुछ शोध आदि के आधार पर ये जानकारियां सामने रखी थी। प्रभास पाटन के बारे में कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी ने गलती से बाण मार दिया था। यहां कृष्ण जी का एक मंदिर भी मौजूद है। मत्स्य पुराण में बताया जाता है कि महाभारत की लड़ाई के समय श्री कृष्ण की उम्र 89 साल थी। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के दिन से कलयुग का आगमन हुआ था। श्री विष्णु पुराण के 38वें अध्याय में इस बारे में जिक्र है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 6 के भाग 11 में एक उल्लेख है जहां ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि श्री कृष्ण को जन्म लिए 125 साल हो चुके हैं। ये कृष्ण की मृत्यु से ठीक पहले के घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। वेद व्यास की ओर से दी गई ज्योतिष संबंधी सूचनाओं, नक्षत्र तारों की तक की स्थिति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 13 अप्रैल 3031 ईसा पूर्व को हुई थी। वहीं कुछ जानकार इसे 18 फरवरी 3102 भी बताते हैं। चैत्र माह के पहले दिन को श्री कृष्ण की मृत्यु और वैकुंठ धाम की वापसी का दिन बताया जाता रहा है। जय श्री कृष्णा।